सीधे लेकर चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के हिसाब से अलग अलग आंकड़े जब रिजर्व बैंक पेश करता है, अलग अलग विकास के आंकड़े जब आते हैं, उसके हिसाब से इक्विटी मार्केट में बदलाव होते रहते हैं। और यह दुनिया भर में इस प्रकार से इक्विटी मार्केट चलती है। कोई बड़ा इवेंट ना भी हो तो भी इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव साधारणता चलते रहते हैं। देखना यह रहता है कि लंबे अरसे में इक्विटी मार्केट में क्या हुआ है। और आप सभी भलीभांति जानते हैं, देश के लोग, देश के निवेशक जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 trillion से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज भारत का जो इक्विटी मार्केट है, ये पहली बार विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मार्केट कैप है उसमें से एक भारत बना है। उसमें हम ये भी जानते हैं भलीभांति के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो PSUs लिस्टेड हैं मार्केट में, उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 गुना मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। एक डेटा पॉइंट आपको देता हूं जिससे मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता भी बड़ा गर्व महसूस करेगी कि आज से 10 वर्ष पहले जब UPA की सरकार थी, जिसका नेतृत्व गांधी परिवार करता था, उस कांग्रेस UPA की सरकार के समय भारत का मार्केट कैप मात्र 67 लाख करोड़ था। ओनली 67 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में विरासत के रूप में मोदी जी को मिला। आज वो बढ़कर 6 जून यानी आज के दिन बढ़कर 415 लाख करोड़ भारत का मार्केट कैप है। आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बढ़त 348 लाख करोड़ की बढ़त हुई है 10 वर्ष में, ये जो पिछले 60-65 वर्षों में कुल मार्केट कैप था उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़त सिर्फ मोदी सरकार के समय देश ने अनुभव किया है। 67 लाख करोड़ इन May 2014, इंक्रीज ऑफ 348 लाख करोड़ इन 10 years, एंड टुडे द मार्केट कैप इज 415 लाख करोड़। ये वास्तविकता हम सबके सामने। अब इसमें गौर करने की बात है कि इसका सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारतीय निवेशक और उसमें भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, खुदरा निवेश जो करते हैं, उनको आज इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ है। आज वो सिर्फ बाईस्टैंडर के रूप में मार्केट बढ़ रही है दूर से नहीं देखते, आज वो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, आज वो निवेश करके उसका लाभ सीधा लेते हैं। और उसके आंकड़े भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। जो फॉरेनर्स की होल्डिंग UPA के समय होती थी FPI के माध्यम से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो निवेश करते थे और उनकी जो परसेंटेज होल्डिंग थी UPA के समय वो 21% थी, और वो घटकर आज 16% हो गई है। यानी फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट कम हुई है और भारतीय निवेशकों की मालकियत
भारत की स्टॉक मार्केट में 79% से बढ़कर आज 84% हो गई, 84% आज भारतीय निवेशक मार्केट में भारतीय मालिकियत के साथ खड़े हैं। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जिसके माध्यम से हम में से कई खासतौर पे छोटे निवेशक अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 2014 में मात्र 10 लाख करोड़ था, आज वो बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है, 56 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारतीय निवेशक, विशेषकर छोटे निवेशक, आज मार्केट में ये बढ़ती हुई मार्केट का लाभ ले रहे हैं। और ये छोटे खुदरा निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की जो आज की मलकियत है वो आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मलकियत से भी ज्यादा हो गई है। मित्रों, आज भारत के हर पिन कोड में, देश के कोने कोने में आज एक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स आ गए हैं और उसका लाभ आज देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। जब भारत वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जब भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की विकास के कारण मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसका लाभ देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। करोड़ों निवेशक आज एक्विटी मार्केट में या तो सीधा डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के माध्यम से या एनपीएस पेंशन फंड्स के माध्यम से या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ये अन्य अन्य तरीकों से आज भारत के छोटे निवेशक इस बढ़ती हुई मार्केट का लाभ उठा रहे हैं। और दुनिया में आज भारत की जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, इसको पूरे विश्व में आज इज्जत भी है, स्वाभिमान भी है, इसको बड़ा वेल रेगुलेटेड मार्केट माना जाता है, सेबी को कई कीर्तिमान मिले हैं विश्व में उनकी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के लिए, और उसी के कारण आज हमारी मार्केट चाइना की जो वैल्यूएशन मापदंड रहते हैं उससे भी अधिक भारत की मार्केट को मापदंड दिए जाते हैं, उन मापदंड पे भारत की मार्केट को वैल्यू दी जाती है, क्योंकि लोगों को विश्वास है भारत पर, भारत की सरकार पर, भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। और ये तभी हो पाया जब एक बड़ा मैच्योर्ड, समझदार और समझदारी से निवेश करने वाला छोटा खुदरा निवेशक मार्केट में बड़े पैमाने पे आए। और देखिए मजेदार बात कि गत दिनों में, 4-5 दिनों में भारत के निवेशकों ने कैसे विदेशी निवेशकों से भी ज्यादा समझदारी बरती और उसका मार्केट का लाभ लिया। आप अगर देखें तो अप्रैल और मई में जब मार्केट बढ़ रही थी तब फॉरेनर्स ने मार्केट में बेचा और भारतीय निवेशकों ने उसका लाभ लेके उसको खरीद कर, ये जो बढ़त हुई है गत 2 महीनों में उसका लाभ भारतीय निवेशकों को मिला। भारत के निवेशक, चाहे वो खुदरा निवेशक हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, जिसका फायदा भी सीधा भारतीय निवेशकों को मिलता है। अगर हम गत 3 दिनों की बात देखें तो जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी फॉरेनर्स ने बेचा। जब एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी, सॉरी, जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ फॉरेनर्स जो पहले बेच रहे थे उन्होंने खरीदा 6,850 करोड़ रुपए का शेयर्स फॉरेनर्स ने बेची एग्जिट पोल के दिन जब मार्केट हाई थी।
तो भारत के निवेशकों ने उसमें एक प्रकार से, सॉरी माफ करिए मैं जरा ठीक कर लूं, जिस दिन एग्जिट पोल आया फॉरनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने महंगे दामों पर बेच के लाभ लिया। 6,850 करोड़ रिटेल में फॉरनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने उसका लाभ लिया। अगले दिन जब रिजल्ट आए 4 तारीख को, उसके 2 दिन बाद 4 तारीख को जब मार्केट गिरी, उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, कम दाम पर बेचा और भारत के निवेशकों ने उसको खरीदा इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार आ रही है, हम इसका लाभ लेंगे। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा, भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। तो एक प्रकार से भारतीय निवेशकों ने इस अंतराल में भी कमाई करी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। और ये जो बात 30 लाख करोड़ की करते हैं राहुल गांधी जी, मुझे ध्यान आ गया कि क्यों देश की जनता का राहुल गांधी जी पर जरा भी विश्वास थे, क्योंकि वो ये भी नहीं समझते कि ये तो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन से मतलब नहीं है, जो खरीद और बेच होती है उसी का मतलब होता है, और उसमें फॉरनर्स ने नुकसान पाया, भारत के निवेशकों ने लाभ लिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भारत के इस दौरान भी लाभ लिया और फिर आज के दिन मार्केट फिर एक बार, जो 3-4 दिन पहले थी उस मार्केट पे फिर एक बार पहुंच गई, जब स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मित्रों, 10 साल के मोदी सरकार के सफल काम की वजह से मार्केट में जो हमारे भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया, ये बड़ा स्पष्ट है। इस दौरान भी जो मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ, इसका भी लाभ भारतीय निवेशकों ने लिया, और मैं समझता हूं यही विश्वास दुनिया का भी भारत के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। फिर एक बार मोदी सरकार आएगी और पूरे विश्व को यह विश्वास है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। अब देखने को मिल रहा है कि अब फिर एक बार भारत की स्टॉक मार्केट भी ठीक है, इस अंतराल में भी भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया है, और मैं समझता हूं आज बड़ा प्रश्न जो लोगों के सामने है तो ये खड़ा हो रहा है कि जो जो वादे राहुल गांधी जी ने किए थे उसका क्या होगा। आज हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों से पूछ रही हैं कि वो जो 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया था, अब वो उसको पूरा करे। और जहां जहां पे महिलाएं कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकारों से अपना हक और न्याय मांग रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे, बजाय के निवेशकों को डराना और ये साजिश रचना कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर अनाप शनाप प्रश्न चिन्ह उठाकर लोगों को गुमराह करना। बहुत बहुत धन्यवाद।